किंतु सुप्रीम कोर्ट एटी क्लियर करदे आपर जो मैंने लिव इन रिलेशनशिप ऑल द ऑब्लिगेशन ऑल द ड्यूटी ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटी गोटे गोटे हिंदू मैरेज कपल भाया नौते हैं आपण को से जो हेरिटेज प्रॉपर्टी माने आपण को पैतृक संपत्ति अधिकार मिल देखो सुप्रीम कोर्ट जो कालीर जजमेंट बाहर जो जस्टिस एस अब्दुल नजीर एंड जस्टिस विक्रम नाथ जो जजमेंट काली बाहर करनरेबुल सुप्रीम कोर्ट से भर्डिक्टा आम सोसाइटी केत दूर ठीक हम केत दूर इम्प्लीमेंट हम जदि आप मतलब प्रश्न पचारे देखो जो गोटे सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट कार्ड हूँ से सबूार सब स्टेट्र हाइकोर्ट ताको फॉलो करा बाध्य आउ सब जदि स्टेट हाइकोर्ट फॉलो कर तो लोअर कोर्ट ऑब्वियसली फॉलो कर तो ये जजमेंटा को मो एंगल देखे मतलब भल लगुच कि जजमेंट सब बड़ कारण हूँ रिलेशनशिपटा को बेस इंपोर्टेंट देखते जस्टिस जस्टिस कहते लिव इन रिलेशनशिपटा को डिस्क्राइब कर इट इज ए लॉन्ग रिलेशनशिप माने आपणकर संपर्क आज कालीर से व्याख्या करना आप जब जजमेंटा पढ़े से लिखिंट इट इज ए लॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द कपल से बाहना किंतु से वैवाहिक जीवन सबू रीति नीति को अवलंबन करते मैंने जो आप ऑफिशियली मैरेज करना सामाजिक जो रीति नीति रे किंतु से बाह न होकर बाहर सब अनुष्ठान को पालन कर आउ सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 114 114 एविडेंस एक्ट को इंपोर्टेंट देते सेक्शन 14 इंपोर्टेंट आम कहे इट इज वेल सेटल दैट इफ ए मैन एंड वुमेन लाइव टुगेदर फॉर ए लॉन्ग ईयर आज ए हस्बैंड वाइफ जदि गोटे कपल बाहर न होकर लॉन्ग ईयर गोटे रिलेशनशिप थे सब ओब्लिगेसन करुवे म्यूचुआल अंडरस्टैंडिंग रे हस्बैंड वाइफ भाया रोते जदि औरसर रिलेशनशिप्रु जदि गोटे चाइल्ड जन्म हो चाइल्डर लेजिटिमेट रईट ये प्रश्न उठिला सुप्रीम कोर्ट जोटा कि ऑनरेबल हाइकोर्टर केरला हाइकोर्ट से रिजेक्ट करदे से उठिला लेजिटिमेट रईट इन ए प्रॉपर्ट इन ए कोपर्सनाल प्रॉपर्ट माने आम हिंदू लॉ अनुसार हिंदू लॉ अनुसार गोटे संपत्ति किए पाइब इट इज द काइंड ऑफ डिबेट जदि आम से भितर को जी बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से क्लीअर करदे क्लीअर कले कि जदि गोटे हस्बैंड वाइफ मैरेज करी की रहउछंती जनरली से माने पाइबे प्रॉपर्टी किंतु जो माने लिव इन रिलेशनशिप रे अछंती सेठी केवल सुप्रीम कोर्ट कहितले गोटे हस्बैंड रो इनकम फादर इनकम उपरे गोटे पिलार राइट थिला किंतु सुप्रीम कोर्ट एटी क्लियर करी देले आपण मानकर जो माने लिव इन रिलेशनशिप रे ऑल द ऑब्लिगेशन ऑल द ड्यूटी ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटी गोटे गोटे हिंदू मैरेज रो कपल भलिया नौथिबे ताले आपण को से जो हेरिटेज प्रॉपर्टी माने आपण को पैतृक संपत्ति रे अधिकार मिलिबो जोटा कि सुप्रीम कोर्ट खाली टोटल क्लियर इट इज ए लॉन्ग केस आपण एटा 40 वर्ष काल से कपल लड़ई करुले प्रॉपर्टी राइट पे जोटा कि हिंदू लॉ रे प्रॉपर्टी राइट टाक डिस्क्राइब कराई एज अ कॉर्पोरेशनल प्रॉपर्टी आमर जदि देखिबे सेठी दिहाई कि गोटे गोटे जेनरेशन माने आपणकर फोर जेनरेशन आसुचंती सेठी फोर जेनरेशन आसुचंती गोटे फर्स्ट ग्रैंड फादर पर फादर फादर पर ग्रैंड सन पर ग्रैंड ग्रेट सन यही चारिटा पीढ़ी भितर यही कपल एटी अंतर्भुक्त होती कि ना जदि पचारे सुप्रीम कोर्ट कहे येस बिकज दि मैरेज इज वैलिड सुप्रीम कोर्ट एटा को कहते दो दे आर लिव इन रिलेशनशिप बट इट इज ए वैलिड मैरेज तो सुप्रीम कोर्ट को यही जजमेंट को मुझे बहुत स्वागत देवी कारण आम जो गोटे गोटे से जजमेंट कहते इट इज ए मैरेज ओब्लिगेशन से मैरेज ओब्लिगेशन कर टूवर्ड्स देयर एज ए हस्बैंड वाइफ तो यहीटा को आपण मानकर जिते समस्ते आम कौ लिव इन रिलेशनशिप आम जो गोटे पिलाटे हम तार हेरिटेरी रईट अधिकार मगुचे सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट क्लीअर करदे येस आपण से प्रॉपर्टी माने आपण पैतृक संपत्ति आपणकर जो स्वअर्जित धन नपण पैतृक संपत्ति अधिकार थी आगुरी थी स्वअर्जित संपत्ति गोटे पितार स्वअर्जित किंतु आज सुप्रीम कोर्ट क्लीअर कले कि हेरिडेटरी प्रॉपर्टी आपणकर अधिकार आसी पार पैतृक संपत्ति में संतान अधिकार आसी पार एटा हला द लेटेस्ट जजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करिसेंती एंड मो एटा को बहुत स्वागत जन करी कारण आम जितेबले सोसाइटी को रिफॉर्म करिया पे आशा करू इक्वालिटी कथा कहू ऑल दिस थिंग्स आर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन से कोटी ना कोटी डिस्क्रिमिनेशन कराला जो लॉ इज वेरी क्लियर जो लॉ को आम हिंदू लॉ टा को फॉलो करुचु जो हिंदू लॉ एंड द इक्वालिटी कथा आसुची से जो सेक्शन 114 टा को सुप्रीम कोर्ट उपस्थापन करिसेंती तो से सबको जिते गोटे मिसेकना गोटे जजमेंट आसे तो सुप्रीम कोर्ट को सब मिसेकना कहते येस इट इज ए मैरेज दि सन इज अल्सो लेजिटिमेंट चाइल्ड से क्वेश्चन उठे लेजिटिमेंट चाइल्ड और एलिजिमेंट चाइल्ड तो ये क्वेश्चन उठला सुप्रीम कोर्ट कहे येस जो अरसर जन्म हे जब लिव इन रिलेशनशिप सी लेजिटिमेंट चाइल्ड हम एंड लेजिटिमेंट चाइल्ड जिते कहुच से आपण हिंदू लॉ रे कारण बोथ आर हिंदू तो हिंदू लॉ रे आप प्रॉपर्टी राइट पलि आस टोटल सुप्रीम कोर्ट क्लीअर करदे आपंकर सामने तो एवं देखा पड़ा से कते दूर कौ कोर्ट कौन चेंज कर चैलेंज करेंगे इट इज डिपेंड ऑन द पार्टीज